के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है विशाल देवगन की, जिसके पिता ने सोच लिया था कि फिल्म लाइन में मैं अपने पहले बच्चे को जरूर भेजूंगा। खुद हीरो बनूं ना बनूं, लेकिन मेरा बेटा जरूर हीरो बनेगा, और वो एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का सपना सच हुआ। बेटा विशाल अजय देवगन बनके छा गया फिल्मों में। के साहब, दामन देखकर हाथ डाला कीजिए। विजय सक्सेना नाम है मेरा। एक शरारा ही जंगल को जला देता है। नादा है तू जो शोले को हवा देता है। अजय देवगन का जन्म हुआ 2 अप्रैल 1969 में। जी। इनके पिता वीरू देवगन दरअसल एक एक्शन मास्टर थे, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर साबित कर दिया कि एक्शन मास्टर का बेटा भी सुपरस्टार बन सकता है। एक मिनट, माना कि आप इस शहर की तोप हैं, बहुत इज्जत है आपकी यहाँ, शायद कुछ लोग आपसे यहाँ डरते भी होंगे, लेकिन हम जरा प्राणी दूसरे किस्म के हैं, धमकी का अंदाज हमें पसंद नहीं। अजय की मम्मी का नाम है वीना, जो कि खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर रहीं। इनके भाई अनिल देवगन भी फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर बने। अजय देवगन की पढ़ाई लिखाई हुई सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से, और फिर मीठीबाई कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई आगे बढ़ाई। हनी, ये विजय है, हमारे कॉलेज का एक्स स्टूडेंट, कॉलेज का नंबर वन। और विजय, ये हनी है। हनी, नाम जैसी मिठास मिजाज में नहीं है, शायद तालीम में प्यार मोहब्बत की कमी रह गई थी, इसलिए नफरत बांटती फिर रही हैं आप। वैसे इनका नाम हनी नहीं, नाक फनी होना चाहिए था। सन 1991 में फूल और कांटे फिल्म सामने आई, जिसमें अजय देवगन ने डांस भी किया, एक्शन भी किया, और मोटरसाइकिल पे सवार होने का ऐसा तरीका सिखाया कि वो मोमेंट आज भी सबके जहन में ताजा है। अजय देवगन शुरुआत में तो बतौर एक्शन हीरो ही नजर आए, फूल और कांटे, सुहाग, जिगर, लेकिन उसके बाद इनकी एक्शन सीक्वेंस से हटके नजर आया इनका इमोशनल रूप। भैया, भैया ये सब साजिश है किसी की। पहले मुझसे जेवर के रुपए छीन लिए गए, मैंने बहुत ढूंढा उस आदमी को, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ये बात मैं आपको कैसे बताता, घर की इज्जत दांव पर लग गई थी, शायद उसे बचाने के लिए आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़ता, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसके बाद नाजायज, दिल जले और जख्म, इसी बीच इनकी कॉमेडी भी नजर आई थी, जूही चावला, काजोल और आमिर खान के साथ, फिल्म थी इश्क। नब्बे के दशक में अजय देवगन ने साबित कर दिया था कि ये सबसे धुरंधर एक्टर्स में से एक हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, दिल का है जान भी ले लो, मैं कब इनकार करता हूँ। फिल्म जख्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्रेम था, संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन थी, लेकिन अजय देवगन के चेहरे की संजीदगी ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए। अभी लग रहा था कि अजय देवगन कमर्शियल सिनेमों से धीरे धीरे आर्ट फिल्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी पता चला कि नहीं साहब, ये तो अंडरवर्ल्ड पे आधारित फिल्मों में भी काम करेंगे। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी को कौन भूल सकता है। अजय देवगन उन गिने चुने एक्टर्स में से रहे जिन्होंने हीरोगिरी के साथ साथ विलनगिरी भी की। फिल्म दीवानगी में ये बतौर विलन नजर आए थे, और फिर नजर आए नेशनल हीरो बने फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में। ऋतुपर्ण घोष की रेनकोट, प्रकाश झा की गंगा जल, मणि रत्नम की युवा, विशाल भारद्वाज की ओमकारा, और फिर सीरियसनेस की इमेज को तोड़ते हुए आई ये नजर अपने दोस्त रोहित शेट्टी की फिल्मों में। गोलमाल, फन अनलिमिटेड, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस, गोलमाल 3, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार। आई एम वेरी हैप्पी फॉर एडीएफ, माय सेल्फ, फॉर माय होल टीम, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और अपने आप
अजय देवगन एक बड़े ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है। इन्होंने सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग ही नहीं करी बल्कि फिल्में प्रोड्यूस भी की और डायरेक्ट भी की। That's a compliment. That's very, very sweet of you to say that. इनकी बीवी के साथ इनकी फिल्म आई थी यू मी और हम। अजय देवगन को प्यार हुआ काजोल से। एक दिन तो होनी थी कयामत, हो गई काजोल खुद एक सुपरस्टार बनी। चौबीस फरवरी सन 1999 में महाराष्ट्र नंदाज में इन दोनों की शादी हो गई। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। जी। सन 2009 के आते आते इन्होंने देवगन की स्पेलिंग चेंज कर दी। तो कैसे चलेगा? अजय देवगन ने फिल्में डायरेक्ट करी, फिल्में प्रोड्यूस की और अपना एक ऐसा मकाम बनाया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, शेक्सपियर के ओथेलो पे आधारित ओमकारा हो या फिर रोहित शेट्टी की मसाला फिल्में या प्रकाश झा की सोशल ड्रामास, हर कैटेगरी में अजय देवगन ने वो कमाल किया जो कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू।